नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूतरा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की है। पीएफआई के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में छापे मारे गए हैं। वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार देशव्यापी छापेमारी में पीएफआई के 100 से अधिक शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए, परिवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस ने एक समन्वित कदम पे छापे मारे हैं। आपको बता दें, इससे पहले 18 सितंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। वहीं एजेंसी ने यह कार्रवाई तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में की थी। पीएफआई पर कानपुर हिंसा, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के कई आरोप लगते रहे हैं। वहीं दिल्ली में सीएए आंदोलन से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली और मध्य प्रदेश के खारगोर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में पीएफआई से तार जोड़ने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र एटीएस ने भी आज सुबह राज्य में औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर, बीड, परभानी, नादेड़, जलगांव आदि कई ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं 20 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी पीएफआई से जुड़े बताए जा रहे हैं। मामले में यूएपीए के तहत कुल 4 केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत साल 2006 में केरल में हुई थी। 2006 में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय के बाद पीएफआई अस्तित्व में आया था। तीनों संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फॉर्म ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु की मनीथा नीति पसारी थी। 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए थे। उनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया था। तब से ही यह संगठन देश भर में कार्यक्रम आयोजित करवा रहा है। वहीं अपने 16 साल के इतिहास में पीएफआई दावा करता है कि उसकी देश में 23 राज्यों में इकाई है। संगठन देश में मुसलमानों और दलितों के लिए काम करता है। यह संगठन मध्य पूर्व के देशों से आर्थिक मदद भी मांगता है, जिससे उसे अच्छी खासी फंडिंग मिलती है। वहीं पीएफआई के मुख्यालय की बात करें तो कोझिकोड में इसका मुख्यालय था, लेकिन लगातार विस्तार के कारण इसका सेंट्रल ऑफिस अब राजधानी दिल्ली में खोला गया है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।